नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीपीएससी पीटी 67वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और अभी तक के पूरे बीपीएससी के कैरियर में अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का 113, तो 109, 107, 105 मतलब इतना हाई कट ऑफ है कि किसी को इतना अनुमान भी नहीं था। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हैं, जो हमेशा बीपीएससी हो या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा छात्र हित में बात करते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका दिलीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 113 कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी और ये जो रिजल्ट आया है, काफ़ी लड़कों का दिल टूट गया है और काफ़ी लड़के आहत हैं इससे कि इतना कट ऑफ कभी नहीं गया ही नहीं है और इतना कट ऑफ इस बार कैसे चला गया, जबकि पेपर भी उतना लीक नहीं था। तो क्या अंदर से कुछ ज़्यादा सेटिंग हुआ है या निष्पक्ष है, ये आपको कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता है? देखिए, ये जिस तरह से रिजल्ट आया है, कट ऑफ जितना हाई गया है, तो इससे तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और कुछ ना कुछ क्या, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है ऐसा लग रहा है। रिजल्ट को देखने से धांधली हुई है। अगर धांधली नहीं हुई तो सरकार इसकी जांच करवाए ताकि पता चले कि क्या एग्जैक्ट कारण है कट ऑफ ज़्यादा जाने का, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस परिस्थिति में ये पीटी परीक्षा हुई है उससे संदेह बढ़ जाता है, क्योंकि उन लोगों को जेल से बाहर निकाल दिया गया जो लोग इस पेपर लीक में संलिप्त थे। रंजीत रजक, डीएसपी रंजीत रजक, उसको जेल से बाहर निकाला गया 15 दिन पहले। परसेंटाइल लाने की कोशिश की गई पहले, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात की गई शिक्षा माफियाओं के दबाव में, ताकि जिन लोगों से पैसा लिया गया था उन लोगों को पीटी पास कराया जाए। तो क्या यही तो इसमें नहीं खेल किया गया? जिस एजेंसी को क्वेश्चन की जिम्मेवारी दी गई हो छापने की, उसी से तो क्वेश्चन लोगों ने नहीं ले लिया। आखिर क्या हुआ? क्योंकि बिहार में अभी यही हो रहा है कि जिस एजेंसी को क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी जाती है उसी से शिक्षा माफिया क्वेश्चन अवेलेबल करवा लेते हैं, एग्जाम से एक रात पहले उनके पास क्वेश्चन आ जाता है। आप बीपीएससी के रिजल्ट पे कितने दिनों से नजर बनाए रहते हैं? देखिए, हम तो हमेशा जितना भी परीक्षा बिहार में हो रहा है सब पे नजर बनाए रखते हैं। तो इतना हाई कट ऑफ अभी तक देखे थे कभी? नहीं, बीपीएससी में तो आज तक कट ऑफ गया ही नहीं, 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया था इतिहास नहीं था। 66वीं में 108 गया क्योंकि उसका पेपर लीक था, आंसर वायरल हुआ था। उसके इसके अलावा किसी का कट ऑफ 100 के ऊपर गया ही नहीं था। अतुल प्रसाद जी का एक इंटरव्यू आया है, उसमें वो बोले हैं कि हम 2 नंबर कम करेंगे। तो 2 नंबर कम करने का क्या यहाँ पे मकसद होता है? पर कुछ गड़बड़ी हुई है या क्या हुआ है कि आयोग को 2 नंबर कम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं बोले हैं कि 2 नंबर कम करेंगे। वो बोले अगर हम 2 नंबर कम करके भी रिजल्ट दे दें तो ये होगा वो होगा, वो उदाहरण के तौर पर बताएं कि अगर हम रिजल्ट को रद्द भी कर दें, फिर से रिजल्ट प्रकाशित करें, 2 नंबर कट ऑफ कम भी कर दें, तो हर कैटेगरी में 1 नंबर पर 2000 स्टूडेंट आ जाएगा। वो उदाहरण दिए हैं उनका। ये क्या वजह पड़ रहा है कि एक ही एग्जाम को कभी परसेंटाइल लागू होता है तो फिर छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको ख़त्म करते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है तो इतना हाई कट ऑफ होता है कि नंबर कम करने की उदाहरण देना पड़ता है, तो क्या हो चल क्या रहा है? देखिए, बिहार में शिक्षा माफियाओं का जो है बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। अच्छा। और सरकार कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त कर संरक्षण दे रही है, सरकार के लोग इसमें संलिप्त है। आप बताइए, बीपीएससी पेपर लीक में जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा तो जांच को बंद कर दिया गया। अच्छा। क्यों नहीं जांच आगे बढ़ा? बीपीएससी ऑफिस के अंदर के अधिकारियों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बड़े बड़े आईएएस आईपीएस नेताओं पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं आज तक जाँच में पता चला कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसके अलावा आप देखिए, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का भी जब पेपर लीक हुआ उसमें भी बहुत सारे नेताओं का नाम आया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी सरकार बचा रही है अमरेंद्र कुमार, जिस पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं 2020 से, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। उनको प्रमोट करके आईएएस में प्रमोट कर दिया गया, फिर सचिव भी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि सरकार संरक्षित, ये सरकार प्रायोजित, ये संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें सभी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। आखिर बिहार का कोई नेता क्यों नहीं इसमें कुछ बोल रहा है? बिल्कुल, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान कहाँ है? ऐसे बोल देने से हो जाएगा? हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव जी बोल देंगे, उससे हो जाएगा? फर्जी नियुक्ति पत्र बांट देंगे, उससे हो जाएगा? नौटंकी पत्र बांटने से नहीं होगा, पुरानी बहाली का नियुक्ति पत्र बांटेगा उससे नहीं होगा। तो अब आपकी क्या मांग है, क्योंकि छात्रों का काफ़ी आप मतलब गहन अध्ययन करते हैं, किसी भी रिजल्ट हो या परीक्षा हो आप पर काफ़ी छात्र विश्वास भी करते हैं, तो आपकी आयोग से क्या मांग होने वाली है आगे? देखिए, हम विचार अभी कर रहे हैं और छात्रों से भी राय विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और रिजल्ट में कोई खामी है क्या है, इस सब पे हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, और 2-3 दिन में हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे कि क्या करना है आगे। और अध्यक्ष से भी मिलने का हम प्रयास करेंगे, अध्यक्ष महोदय से। अच्छा। और जो भी समस्या है उसको पहले उनके सामने रखेंगे, उनका हम जवाब जानेंगे, उसके बाद
आगे कुछ ना कुछ करेंगे, जो भी उचित होगा, सही डिमांड होगा, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल अभी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि कोई धांधली अगर हुई है तो कोई सबूत हमें मिल जाए, क्योंकि बगैर सबूत के हम नहीं लड़ पाएंगे। बिना मतलब का हंगामा खड़ा करना। कुछ रोल नंबर दिखा रहे थे आप, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखा। हाँ, हमारे पास अभी तक 2 रोल नंबर आया है। अच्छा, अभ्यर्थियों ने भेजा जो कि एब्सेंट बताया जा रहा है कि एग्जाम में एब्सेंट था, और उनका रिजल्ट, लेकिन उसका रिजल्ट है। इस तरह का और भी कुछ है। अच्छा, 498112। अच्छा, ये रोल नंबर है। इससे आगे जो बैठा था छात्र, उसका कहना है कि ये एब्सेंट था। अच्छा, ये एब्सेंट था, ये मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा गया है। एक और रोल नंबर है 127601। अच्छा, ये भी एब्सेंट था। ये दूसरे अभी आरके सिंह करके नाम है इनका, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, मेरे फेसबुक पे भी कमेंट किया है कि ये एब्सेंट था, इनके पीछे इसका सीट था। है, लेकिन रिजल्ट है। आप देख रहे हैं बिहार का, एक तो एग्जाम नहीं होता है, जल्दी वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन वैकेंसी जब भी आती है विवादित हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम में बैठते भी नहीं है और उनका पीटी मेन सर चीज क्लियर कर दिया जाता है, ये एक मानिए तो उनको लगभग जॉब तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो अब दिलीप कुमार छात्र हित में जो भी होगा करने वाले हैं आगे। एक और एग्जाम है दिलीप, बिहार CGL, जिसका अभी एग्जाम डेट था 26-27 नवंबर, लेकिन फिर उसको टाल के 23-24 दिसंबर कर दिया गया है। तो क्या पिछला वैकेंसी 8 साल में क्लियर हुआ है, क्या लगता है इसको भी लोग टाल मटोल करके 8-10 साल खींचने? देखिए, रवैया तो वही लग रहा है कि इस बहाली को भी 6-7 साल ले जाए, लेकिन हम लोग ऐसा इस बार नहीं होने देंगे। और BSSC CGL 3 में क्वेश्चन लीक कराने की बात चल रही थी। अच्छा, जो गिरोह है वो सक्रिय है, और जिस एजेंसी को दिया गया है उस एजेंसी से ही इन लोग का संपर्क ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, और पैसा वसूला जा रहा था। तो हमने BSSC जाकर अध्यक्ष को सारे चीज़ों से अवगत करा दिया, उस व्यक्ति का, उस गिरोह का नाम भी बता दिया है, सबूत भी दे दिया है, ताकि वो सतर्क रहे। अगर उस एजेंसी को दिया गया तो उसे को रद्द करे, किसी दूसरे एजेंसी को क्वेश्चन की जिम्मेवारी दे। तो अब और 7 सूत्री मांग भी रखा है हमने पारदर्शिता के लिए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए। तो इन सभी पे वो विचार कर रहे हैं, अगर लागू नहीं किया गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। आप कुछ कह रहे थे जो वो पीटी में बैठते हैं, मेंस में नहीं बैठते, उनको 50,000 रुपया दिया जाता है, ऐसा भी कुछ मांग था आपको? देखिए, बहुत अभी जो सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री जी ने वोट बैंक के लिए शुरू किया योजना, तो जिस इसका लक्ष्य था कि जो लोग पीटी निकाल लेते हैं उनको पैसा 50,000 दिया जाए, ताकि वो मेंस की तैयारी करेंगे। तो सीधा सीधा हुआ कि वो कोचिंग करेंगे। अच्छा, और एक तरफ वो कहते हैं नीतीश कुमार जी भी और कोई भी आयोग की, हम ऐसा सिलेबस बनाएंगे कि कोचिंग ना करना पड़े स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो दोहरी बात तो यहाँ होगी। खैर, ये अलग बात है, लेकिन ये पैसा जो दिया जाता है तो कोचिंग करने के लिए जाता है, किताब खरीदने के लिए या जो भी हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तुरंत पैसा नहीं मिलता है। तो उनको तो तुरंत पैसा 10-20 दिन के अंदर पैसा दीजिए, तभी तो पढ़ाई करेंगे। और यहाँ आप 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिला, तो कैसे वो तैयारी करेंगे? और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये रियलिटी है, जो सिर्फ फॉर्म इसलिए भरते हैं कि वो पीटी पास कर जाएंगे, उनको 50,000 रुपया मिलेगा, और मेंस में बैठते भी नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो मेंस में अपीयर नहीं होते हैं उनको अगर पैसा दे दिया गया तो पैसा वापस ले लिया जाए उनसे, ये भी शर्त लगानी चाहिए। क्योंकि पैसा दिया जा रहा है उनको सिविल सेवा की तैयारी के लिए, यानी मेंस परीक्षा देंगे तब ये तो हुआ, लेकिन पैसा लेके वो मेंस में अपीयर भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, पैसा वापस लिया जाना चाहिए। क्या दोबारा से BPSC का रिजल्ट घोषित करना चाहिए? देखिए, दोबारा की बात तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। जब तक इसमें हमको धांधली नज़र नहीं आएगा, सबूत नहीं होगा, तो नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। हम झूठों को किसी को खुश करने के लिए बोल दे ऐसा हम नहीं कर सकते। जब तक सबूत नहीं होगा धांधली का, तब तक दोबारा रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये 2 चीज़ हुआ, फेल वाले के पास हैं, तो इस पर हम अध्यक्ष से मिल के हम बात करेंगे, वो क्या जवाब देते हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए, अगर हमको सबूत नहीं दिखाया गया कि वो प्रेजेंट है एग्जाम हॉल में, ये रोल नंबर वाला, तो फिर हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, रिजल्ट कैंसिल हो, दोबारा से रिजल्ट प्रकाशित हो, उसकी मांग हम करेंगे। तो अभी देख रहे थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, और BPSC रिजल्ट को लेकर काफ़ी इनके मन में भी सवाल है। आपको भी अगर दिलीप भैया से कोई सवाल है या BPSC को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और देखते रहिए काबिल न्यूज़। जय हिंद।